टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। ठंड ने दस्तक दे दी है और अब लगातार बढ़ने वाली सर्दी नौनिहालों को सताने लगी है। शायद इसी को लेकर शासन ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे गरीब परिवारों के नौनिहालों को ठंड से बचाने के इंतजाम 2 माह पहले शुरू कर दिए थे, मगर क्या बच्चों को समय पर स्वेटर मिल पाए? बुलंदशहर में इसका रियलिटी चेक हमारी टीम ने किया। रिपोर्ट देखिए। शासन द्वारा यूपी के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 31 अक्टूबर तक 100% स्वेटर वितरण करने के निर्देश दिए थे। जबकि जैम पोर्टल के माध्यम से स्वेटर का टेंडर लेने वाली कंपनियों को निर्धारित समय के बाद स्वेटर देने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई थी, मगर क्या कंपनियां नौनिहालों के स्वेटर समय पर दे पाई? क्या आप सुबह की सर्दी में विद्यालय जाने वाले मासूम गर्म कपड़े पहनकर घर से निकल रहे हैं? क्या सर्द हवा से बचने के लिए नौनिहाल स्वेटर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इसका रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीम बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पहुंची। रियलिटी चेक में सामने आया कि नवंबर के आखिरी सप्ताह आनी अभी तक भी अमूमन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले मासूम छात्र छात्राएं अभी भी सर्दी का सितम झेलने को मजबूर है। यहां अभी तक भी स्वेटर वितरण नहीं किए जा सके। जनपद बुलंदशहर में लगभग 2500 से प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें पढ़ने वाले लगभग 2,22,000 बच्चों को स्वेटर वितरण किए जाने थे। नौनिहालों के लिए स्वेटर तैयार करने का टेंडर अमन इंडस्ट्रीज गोरखपुर नाम की कंपनी ने लिया था और अभी तक ये कंपनी सिर्फ 21,000 कुछ स्वेटर ही बेसिक शिक्षा विभाग को सौंप पाई है। आप क्या जिम्मेदारी है? यहाँ मैं सहायक अध्यापक हूँ। ये बताइए, सर्दी अब जैसे कि बढ़ गई है, आप खुद भी स्वेटर पहने हुए हैं, अभी तक स्वेटर वितरित नहीं किए गए विद्यालय में? जी, अभी इस बारे में हमने अपने अधिकारियों से भी बात करी है। आसपास भी और भी स्कूल हैं जिनके अभी नहीं पहुँचे, तो वो लोग कह रहे हैं कि 30 तारीख तक हमें इस चीज़ के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या स्वेटर हमारे यहाँ पहुँचा। सर्दी तो जैसे कि बढ़ गई है ना काफ़ी, अभी बच्चे सुबह आते होंगे, सर्दी परेशानी हो रही है। जी, इस विषय में हम लोग ने ज़्यादातर उनसे जिक्र किया हुआ है, तो वो यही बता रहे हैं कि अभी आपका जितनी जल्दी हो सकेगा आपको इशू करवा देंगे। करीब 1 माह का समय ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक नौनिहालों तक गर्म स्वेटर नहीं पहुंच सके, जबकि ठंड के इस मौसम में पढ़ाई करते मासूमों को ठंडी हवा के झोंके क्लासरूम के अंदर तक घुसकर सताने लगे हैं। नहीं, जूते भी नहीं मिले मैम? मिल गया, मैं तो जूते मिल गए, स्वेटर नहीं मिला, स्वेटर नहीं मिला, ना मिला। अच्छा, सर्दी लगती है तुम्हें? अभी तक स्वेटर नहीं मिला तुम्हें पहनने के लिए? सर्दी लगती है? हाँ। कब? सुबह? हाँ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह भी मानते हैं कि बुलंदशहर में बच्चों के स्वेटर वितरण में देरी हुई है। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी 30 नवंबर तक सभी विद्यालयों में स्वेटर वितरण कराने का दम भर रहे हैं। अभी तक जो है हमारे यहाँ जनपद में 21,000 जो है स्वेटर जो है बढ़ चुके हैं और हमें 2,22,695 स्वेटर की जो है आवश्यकता है, और जो हमारा जेम पोर्टल से जो है एक अमन थेंटेसिक उसे वही एलन आया था और वह प्रतिदिन जो है स्वेटर की आपूर्ति कर रहा है और उसे हमने कड़ा निर्देश दिया है कि आप प्रत्येक उसका हमने जो है तिथिवार स्वेटर की आपूर्ति के लिए एक निर्देश भी जारी किया गया है किए हैं और वह उन तिथियों वार जो है वह स्वेटर को जो है हमको आपूर्ति करेगा। 30 तारीख तक जो है हम जो है सभी स्वेटर की जो है आपूर्ति उसने आश्वासन दिया है कि हम 30 तारीख तक जो है सभी स्वेटर की आपूर्ति करा देंगे। ऐसे क्या प्रक्रिया रही जो अभी तक बढ़ नहीं पाए पूरे बच्चों का स्वेटर? उसमें यह था कि हमारा जो कुछ टेक्निकल मैटर के कारण जो है या टेक्निकल जो हमारे एक बार जो जेम पोर्टल जो है लोड हुई थी उसमें बिड हमारी जो कैंसिल हो गई थी, तो इस वजह से देरी हुई है। और जब हमारी बिड जो है फाइनल हुई तो हमने 16 तारीख को जो है क्रय आदेश जारी किया गया किए हैं, जिसमें उसे 2,22,695 स्वेटर की आपूर्ति करना है।
सर एक बार बताइए किस प्रकार से टेंडर क्या लिया जाता है और कैसे लेते हैं आप स्वेटर किससे? उसमें जो हम विज्ञप्ति निकालते हैं और उसमें आपूर्तिकर्ताओं लोग जो है उसमें अपना बिड डालते हैं। पहले हमारी जो है टेक्निकल जो है बिड खुलती है, फिर फाइनेंशियल बिड होती है, और फाइनेंशियल बिड में जो जिसका सबसे न्यूनतम रेट होता है उसे ईएलवन कहा जाता है, और ईएलवन को ही हम क्रय आदेश जो है आदेश जारी करते हैं। तो इस बार जो है ईएलवन में अमन थेसिक है जिसका जो है एक स्वेटर का जो है मूल्य 159.50 रुपया आया है, और वही जो है फर्म हमको जो है स्वेटर की आपूर्ति कर रहा है। सर क्या उम्मीद जताई जाएगी जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे स्वेटर बच्चों को? हम प्रतिदिन जो है उसे निर्देश दे रहे हैं और उसे नोटिस भी दे रहे हैं कि ठंड जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है, इससे जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। तो उसे उसने आश्वासन दिया है कि जो है हम तिथिवार जो आपके द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसी के अनुसार जो है हम आपके जनपद को स्वेटर आपूर्ति करते रहेंगे। इधर नौनिहाल सर्दी का सितम झेलने को मजबूर है और इधर बेसिक शिक्षा विभाग आने वाले 2-3 दिन में स्वेटर पहुंचाने का दावा कर रहा है, मगर सवाल ये है कि जनपद में 2500 विद्यालयों में पढ़ने वाले 2,22,000 मासूम बच्चों में से अब तक सिर्फ 21,000 बच्चों को स्वेटर मिल सके हैं, तो क्या 30 नवंबर तक विभाग इन नौनिहालों को गर्म कपड़े दे सकेगा? एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।